बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। तो अभी जो है हम मक्खन जो है वो निकाल रहे हैं, तो हमने ये दानी जो है लगाई हुई है, तो अभी हम आप लोगों को मक्खन निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खालस भैंसों का मक्खन है, इससे हम देसी घी तैयार करते हैं। तो अभी हम ये मक्खन जो है हमने बना लिया है, इसे बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ्रेश ताज़ा मक्खन, बिल्कुल प्योर खालस भैंसों का मक्खन है ये, तो इसे हम देसी घी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तो बहुत ही प्यारा मक्खन जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो ये बिल्कुल खालस भैंसों का फ्रेश मक्खन है जो हम खुद तैयार करते हैं। तो एक बार जो हमने मक्खन निकाल लिया है, अब हम दोबारा मैदानी जो लगाएंगे, तो दूसरी बार फिर मक्खन जो और निकालेंगे। तो दही जो है हमारा ज्यादा ठंडा था, इसलिए हमने इसके नीचे जो है ना आग थोड़ी सी जला दी है। तो आप लोग इसके नीचे अगर आग हो तो वो भी रख सकते हैं इसके नीचे कोले वगैरह, अगर पानी गर्म हो तो वो भी इसके अंदर डालकर घी निकाल सकते हैं मक्खन। तो हमने इसके नीचे आग जलाई है इस तरह से, तो थोड़ा सा या ये गर्म हो जाएगा तो हमें इसकी आग जो बंद कर देंगे। तो मैदानी जो हमने चला दी है, तो अभी ये ना थोड़ी देर में ही मक्खन हमारा जो है बाहर निकल आएगा। तो ये हमने पहले जो मक्खन जो है वो निकाल लिया था, अब दोबारा से हमने मैदानी में दही जो ऐड किया है तो इसको चला दिया है। तो 2-3 मिनट के बाद जो है ना मक्खन जो है लस्सी से लैदा हो जाएगा, तब हम मक्खन जो है चाटी से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा मक्खन जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 5 किलो के करीब है। तो अभी जो है हमारा 3 किलो और मक्खन जो है निकल आएगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को से मक्खन निकालने की वीडियो शेयर की है, नेक्स्ट वीडियो में हम मक्खन से घी निकालने का तरीका बताएंगे। तो आज की बस हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। तो उम्मीद करता हूँ साहब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक साहब बहन भाइयों को से तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक साहब बहन भाइयों को खुश रखे। तो बच्चर भाई को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।